Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy, Azu here. We guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, आज़ू राबी गैंग को ज्वाइन करो। हमारा व्लॉगिंग चैनल है बाय द नेम रॉब एंड आज़ू व्लॉग, नीचे आ रहा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरह। तो गाइस आज हम वीडियो रिएक्शन देने वाले हैं, वो पाकिस्तानी है जो इंडिया को ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं, अभी वो बैंगलोर में है। मोशी भाई आप जानते तो होंगे बिकॉज बहुत से लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल मैं बताता चलता हूँ, ब्रिगेड रोड बेंगलुरु, बेंगलुरु स्ट्रीट, पाकिस्तानी इन इंडिया। तो देखते हैं ब्रिगेड रोड में क्या क्या मिलता है, बिकॉज कुछ सी फूड भी होगा मेरा फेवरेट और शॉपिंग के लिए भी कुछ जगह होगी ऑब्वियसली। तो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। ओए होए होए, ये होती है आर्ट। हाँ भाई सही है। ओए होए होए, हाँ जी भैया सलाम नमस्ते सत श्री अकाल भाई, हम मौजूद हैं इस टाइम ब्रिगेड रोड एमजी रोड के आसपास ही है कहीं बेंगलोर में। तो देखते हैं, बड़ी बिजी स्ट्रीट है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी लाइटिंग शाइनिंग की हुई है, सारे ब्रांड श्रैंड है। तो हम पूरी स्ट्रीट का विजिट करेंगे, वॉक अराउंड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ क्या क्या अवेलेबल है और कोशिश करेंगे कुछ बंदों से भी बात करें। तो आ जाए मेरे साथ, बड़े मज़े की वीडियो होने वाली है, आ जाए। अच्छा भाई ये देखें, यहाँ पे हर तरह के ब्रांड है यार। रिकन स्टॉक, ये स्केचर जी, क्या बात, बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी, लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये देखें क्या व्यू है, वो दूर तक भाई लाइटिंग की हुई है इन्होंने। ये देखें अंडर आर्मर, ये देखें ओए ओए ओए, और प्ले स्टेशन वालों ने लगता है स्पॉन्सर किया हुआ है पूरी स्ट्रीट पे प्ले स्टेशन, क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट, ये ब्रांड देखें मोची, ये देखो भाई हम, मैं आपको ब्रांड्स ही दिखा सकता हूँ, एडिडास, ओए ये कौन है, ये तो इंडियन क्रिकेटर बने हुए हैं भाई, एडिडास को भाई उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, एडिडास ने सॉरी उन्हें स्पॉन्सर किया हुआ है। ओए ओए ओए, दिखाते हैं आप, ये कौन कौन है भाई, एक ही रविंद्र दुचेजा, अब पता नहीं रोहित शर्मा ही है यार, हाँ रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, थोड़ी सी तस्वीर में गड़बड़ है लेकिन रोहित शर्मा ही है, क्या बात है। अच्छा भाई यार यहाँ तो सारे ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं, ये देखो भाई एडिडास, बहुत बड़ी इनकी आउटलेट है एडिडास की, लुइस फिलिप लीवाइस एडिडास, क्या बात। तो भाई ब्रिगेड रोड की आपने गहमा गहमी देखी भाई, हम चल रहे हैं यार शायद ही कोई इंडिया का छोड़े, शायद ही कोई दुनिया का ब्रांड हो जो यहाँ पे ना हो। तो क्या दिखाऊं यहाँ पे, पूरे रोड का एक विजिट कर रहे हैं, साथ साथ कमेंट्री कर रहे हैं, लोगों की भीड़ आप चेक कर सकते हैं। ये देखो भाई लीवाइस, बाय वन गेट वन फ्री, बहुत लंबी और बड़ी स्ट्रीट है। रात में मैं इसलिए आया था कि थोड़ा बिजी कम होगी, ये तो भाई बहुत बिजी है, और गाड़ियाँ जब मैं आया था तो उनको मना किया हुआ था कि नहीं आ सकती, रास्ता ब्लॉक था, इन्होंने मुझे नहीं पता किसका ही मशवरा था कि सारी इन्होंने ट्रैफिक ओपन कर दी, तो पैदल चलने की जगह नहीं थी, ये तो बड़ी दूर की बात थी, अब इन्होंने गाड़ियाँ भी ओपन कर दी। अभी मेट्रो आ रहा है, मैकडोनल्ड भी है, केएफसी भी है, वाह। ये भैया इंडिया वाला मेट्रो, ये देखें इंडिया वाला मेट्रो, केएफसी,
और ये मैकडॉनल्ड साथ साथ भरे हुए हैं लोग, भरे हुए हैं। हम ज़रूर KFC का भी रिव्यू करेंगे बहुत जल्द, और ये इंडियन चाय, चलो यहाँ से कुछ चाय ट्राई कर सकते हैं हम। खाने की जगह, आपको पता है मैं खाने के मामले में डगमगा जाता हूँ बहुत ज़्यादा रश, इंडियन चाय हम जा सकते हैं। लो भाई हम मौजूद हैं चाय खाने, इंडियन चाय में इस टाइम मौजूद है भाई, जितनी भीड़ है यहाँ तक पहुँचना, ये देखिए गाड़ियाँ गुजर रही हैं क्या क्या है, यहाँ तक पहुँचना भी एक मिशन था। तो भाई अब यहाँ से चाय ऑर्डर करेंगे ठंडी ठंडी हवा में, और चाय हो तो क्या बात है, चाय ऑर्डर करते हैं फिर आपको बताते हैं। लो भाई हम पहुंच गए हैं चाय खाने, आपको पता है चाय का यार मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो ऑर्डर कर दी हमने बड़ी बेहतरीन ज़ाफ़रानी चाय, और फौरन ही चाय मिल गई है, ये देखें ओए 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 ज़ाफ़रानी चाय भाई। मैंने कहा इस गहमा गहमी में एक कप चाय हो जाए, ज़रा एनर्जी आ जाए, तो चाय पीते हैं, आप ज़रा क्राउड इन्जॉय करें। यार नॉर्मल चाय और ज़ाफ़रानी चाय में 30 रुपए का फ़र्क है, और लिटरली 30 रुपए में ये ज़ाफ़रान मिली है, एक दो, ये एक ही है मेरे खा टूटी हुई है, एक दो तीन, नहीं यार मेरे पीछे गैमा गैमी देख सकते हैं यार, ये कितना रश है, और उसमें 100 कॉल ज़ाफ़रानी चाय, इससे अच्छा दो चाय ऑर्डर कर देता। तो ज़ाफ़रान आपको दिखाया उसमें कितना डाला हुआ है, वायदा में वो ज़ाफ़रान ना भी हो तो कौन सा पता लग रहा है उसमें। तो चाय पीते हैं, थोड़ा रिव्यू देते हैं आपको, चाय के बगैर यार एनर्जी नहीं आती ज़रा। अबे अबे भाई वो जो 300 रुपये की ज़ाफ़रान थी वो कब मुँह में गई, अंदर चली गई पता नहीं लगा, चली गई वो। अबे अबे भाई यकीन करे 3000 का टिकट लेके आया, उसका इतना दुख नहीं हुआ, जो 30 रुपए की ज़ाफ़रान जो है जिसका पता भी नहीं लगा कब पहुंचे, मैंने सोचा था एंड एंड वाले शिफ्ट में उसको लेके जाऊंगा, ये देखे लिटरली मुझे नहीं पता लगा कब गई, ये देखे खत्म गायब, खत्म गुड़क गया। ओए ओए चले, खैर वो इस क्राउड के सामने, इस इन्वायरमेंट के सामने उसकी इस तरह के 100 दफ़ा 30 रुपये उसे 30 रुपये दे दें भाई, कमाल ही जगह है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी वाइब है। तो भाई यहाँ पे बैठा मैं पी रहा हूँ अपनी चाय, वहाँ से यहाँ पे आ गया हूँ, ये स्ट्रीट का व्यू ले रहा हूँ, लोगों का भी गुजरना भी एक व्यू है, और आप देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी है, मज़ा आ गया। Yeah.
खाने पीने के मोस्टली आपको ये नज़र आ रहा है कि शॉपिंग वगैरह की चीज़ें ही हैं। ये देखें खेला लगा हुआ है, हड्डी कप्पी इसके पास क्या है, देखते हैं जा। बहुत रश है भाई, बहुत रश है। तो गाइज ये थी वीडियो ब्रिगेड रोड बेंगलुरु स्ट्रीट। लग नहीं रहा था कि इससे इंडिया इतना रश, इतनी रशी जगह थी, बिल्कुल ही एक जगह जैसे कि बाहर का कोई फॉरेन कंट्री है, जैसे न्यूयॉर्क में और इस तरह की कुछ जगह भी होता है ना, जैसे आप टोक्यो चले जाओ जापान में तो वहाँ पर इससे स्ट्रीट्स होती हैं, प्लेस ऐसे लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट थी और वेदर भी बड़ा अच्छा लग रहा था और लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई फेस्टिवल है जैसे, बट लेकिन वो एक रैंडम वॉक थी, लोग एक स्ट्रीट बनी हुई थी, सारे ब्रांड्स हैं और लोग जा रहे आ रहे हैं। इससे हमारे मरी भी है, पाकिस्तान में भी है, मरी में भी एकदम गर्मियाँ आती हैं माल रोड पे, तो वहाँ पे ऐसे ही रश होता है, भरपूर रश होता है स्ट्रीट, जैसे हमारे भी यहाँ बाजार होंगे वहाँ पे ऐसे रश होते हैं। लेकिन इसकी वाइब ज़्यादा डिफरेंट किस्म की थी, यहाँ बार भी थी और जो गाना शाने चल रहे थे तो बहुत अच्छी वाइब लगी हुई देख के और बहुत मज़ा आया बैंगलोर का। तो आई होप कि हमारा भी किस दिन है, हम भी विजिट करें बैंगलोर और हम भी जाएं इसी जगह पे। मुझे बिल्कुल ना न्यूयॉर्क की तरह लग रही थी, जैसे न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क स्ट्रीट है ना उस तरह की लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से बहुत क्राउडेड होता है एरिया और साइड्स पर इस तरह से उन्होंने वो लगाए होते हैं बैरियर्स जैसे लगे हुए थे और फुल क्राउडेड एरिया होता है, फुल ब्रांड्स होते हैं फुल लाइन के अंदर, तो बिल्कुल वो वाली वाइब आ रही थी स्ट्रीट की। सो अच्छा लगा है देख कर, बड़ी VIP वाइब थी, लेकिन लोकल स्ट्रीट तो नहीं लग रही थी, बड़ी VIP स्ट्रीट लग रही थी। सो लोग इंजॉय कर रहे हैं, खाने पीने की भी चीज़ें हैं, देन शॉपिंग भी है, देन ओवरऑल ना फुल एक फन चल रहा है। सो यस, और जैसे गाना भी वो गा रहे हैं तो बार भी है वहाँ पर, म्यूजिक भी लाइव प्ले हो रहा है, लाइव सिंगिंग भी हो रही है। सो अच्छा लगा देखकर, दिस वाज द वीडियो एंड दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन इट। आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, हमें फॉलो किया है, सब्सक्राइब मस्ट मस्ट मस्ट, मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। लव।